Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in this series of discussing issues on distance education, firstly, I have discussed distance education, its meaning, nature, meaning, need, and scope. Then I have discussed distance education in India, its history, and its assumptions and principles. And in this row, now I am discussing the concept of open school and open university. So the lecture will be in bilingual mode as usual, and it must be useful for all of us. First of all, open school, ये मुक्त विद्यालय है ना, हिंदी में बोलेंगे मुक्त विद्यालय. तो हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो मुक्त विद्यालय क्या है, ओपननेस किसके लिए है, किसके संदर्भ में ओपन है ना. तो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो आजकल कहा जाता है NIOS, बहुत जगह आपने नाम सुना होगा, बैनर्स देखे होंगे, इसके पोस्टर्स देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट देखा होगा. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर्मरली एज नेशनल ओपन स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1989 एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन परसुएंस ऑफ NPE 1986 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन GOI. मतलब समझा कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसके रिकमेंडेशन को मानते हुए नवंबर 1989 में NIOS मतलब NOS की स्थापना की गई, जो अब NIOS के नाम से जाना जाता है. और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया. NIOS प्रोवाइड्स सेवरल वोकेशनल लाइफ एनरिचमेंट एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड कोर्सेज बिसाइड्स जनरल एंड एकेडमिक कोर्सेज एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल्स. स्कूल नाम में ही है, तो सीनियर और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे की स्कूलिंग को मैनेज करता है ये. और कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, इसमें वोकेशनल कोर्सेज चलाता है, लाइफ इनरिचमेंट मतलब जीवन को एनरिच करने के कोर्सेज, कम्युनिटी ओरिएंटेड कोर्सेज, इसके अलावा जनरल और एकेडमिक कोर्सेज भी चलते हैं. इट ऑल्सो ऑफर्स एलिमेंट्री लेवल कोर्सेज थ्रू इट्स ओपन एजुकेशन प्रोग्राम. और एलिमेंट्री लेवल के कोर्सेज भी ओपन स्कूल रन करता है. Our education, अब क्या जरूरत पड़ी इसकी है ना. Our educational planners looked for new alternative approaches for providing access to education for those who wanted to continue their education. वो लोग, वो बच्चे, वो students जो उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, तो उन वो चूंकि पारंपरिक शिक्षण पद्धति से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, उनके लिए alternative approaches के बारे में सोचा गया कि हम उनको कोई alternative दें, कोई दूसरा विकल्प दें, कोई वैकल्पिक उपागम उनके लिए रचें, ऐसा हमारे शैक्षिक नियोजनकर्ताओं ने सोचा. तो इसकी स्थापना की गई. एट द स्कूल लेवल कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1961. वैसे 1989 में बना है, लेकिन 1961 से बात की जा रही है कि स्कूल लेवल पे भी कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन चलाया जाए. इट वाज फेल्ट that the OLS, open learning system at the school level could meet the challenges of bringing unschooled children and adults within the fold of education. ये महसूस किया गया कि school level पे हम अगर open learning system को, open मतलब खुला है, मुक्त है सभी के लिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई rigidity नहीं है कि अभी ये admission लेना है, यही time है, यही tenure है, यही आपकी उम्र होनी चाहिए, यही आपकी qualification होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, इसी क्रम में ये ओपन है. तो ये महसूस किया गया कि ओपन लर्निंग सिस्टम को अगर हम लॉन्च करते हैं स्कूल लेवल पे, तो वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन और एडल्ट्स जो पारंपरिक शिक्षण पद्धति से नहीं पढ़ पाए, उनको भी हम मुख्य धारा में ला सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं. एज अ रिजल्ट द ऑर्डर टू स्टार्ट एन OLS एट द स्कूल लेवल सरफेस्ड इन 1974 एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन हेल्ड इन न्यू दिल्ली. तो नई दिल्ली में कोई इंटरनेशनल काउंसिल हो रही थी कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन पे 1974 में, उसमें ये बात निकल के आई कि OLS की शरण में हम जा सकते हैं. इन 1979 द ओपन स्कूल वाज सेट अप एज अ प्रोजेक्ट ऑफ द CBSE दिल्ली और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो दिल्ली में है, उसने एक प्रोजेक्ट के रूप में ओपन स्कूल को स्टार्ट किया 1979 में. मतलब ये 1989 में होने से पहले ये सब चल रहा है, ये आपको जानना है. The open school was not an examining body at that time. यानी कि जब शुरुआत हुई है open school की, तो वो ये परीक्षा नहीं कराती थी. And its examinations were conducted by the CBSE. और इसकी परीक्षाएं CBSE ही कराता था. लेकिन 1989 में जब NOS बन रहा है, तो इसको अपग्रेड कर दिया गया और एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बना दिया गया और उसको empowered कर दिया गया, सशक्तिकरण इसका कर दिया गया कि ये परीक्षाएं भी करा सकता है और ये इंडिपेंडेंट बोर्ड हो गया.
तो द मिशन ऑफ एनओएस इज टू प्रोवाइड रेलिवेंट कंटिन्यूइंग एंड डेवलपमेंटल एजुकेशन टू प्रायोरिटाइज्ड क्लाइंट ग्रुप्स इन रिस्पॉन्स टू द असेस्ड नीड्स ऑफ द पीपल थ्रू एन ओपन लर्निंग सिस्टम एट अ स्कूल स्टेज. यानी कि विद्यालयी स्तर पर वो लोग क्लाइंट ग्रुप, इनका क्लाइंट कौन है, जो पढ़ाई से छूट गया है, जिसकी पढ़ाई बीच में रह गई है, जो किन्हीं कारणों से नहीं जा सकता है रोज रोज स्कूल, उसको हम सार्थक, लगातार, सतत और विकासात्मक शिक्षा दे पाए, इस लिहाज से ये इसका मिशन है. दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू द फॉर्मल सिस्टम एंड दस मेड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू, ये जो है वो फॉर्मल सिस्टम का ऑल्टरनेटिव है और इसके किस में योगदान करता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं यूईई की, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाए तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात हो रही है. तो इसने अपना योगदान दिया कि हम शिक्षा का सार्वत्रीकरण कर सकें, जेंडर इक्विटी एंड जस्टिस जस्टिस इन सोसाइटी, समाज में ग्रेटर इक्विटी, सॉरी ग्रेटर इक्विटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी, यानी कि समाज में हम ज्यादा समता और न्याय की बात कर सकें, एंड द इवोल्यूशन ऑफ ए लर्निंग सोसाइटी, और एक जो अधिगम के समाज के उद्भव में, के विकास में, उसके इवोल्यूशन में हम कॉन्ट्रीब्यूट करता है. तो इक्विटी और जस्टिस कैसे आएगी समाज में, जब सब तक शिक्षा की पहुंच होगी, तो जो पिछड़े हैं, जो रिमोट एरिया के हैं, जो ट्राइबल हैं, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, उन तक शिक्षा पहुंचाने का ये एक साधन है, और इसी क्रम में जब सभी सीखेंगे तो हम एक लर्निंग सोसाइटी, एक नॉलेज सोसाइटी की बात की के बारे में बात कर पाएंगे. और द एनओएस वॉज डिजाइन डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड हाई क्वालिटी एकेडमिक प्रोग्राम्स एज वेल एज कोर्सेज इन प्रोफेशनल एरियाज लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस. मतलब सिर्फ जनरल और एकेडमिक कोर्सेज नहीं, बहुत तरीके के कोर्सेज जो हैं वो एनओएस लॉन्च करता है, डिजाइन करता है, डेवलप करता है और डिलीवर करता है. तो मेनली कौन से दो कोर्सेज चलाता है, जनरल एजुकेशनल कोर्सेज एंड वोकेशनल या लाइफ एनरिचमेंट कोर्सेज. ओपन वोकेशनल एजुकेशन इज ऑफर्ड एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल्स. लाइफ एनरिचमेंट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज आर एड्रेस्ड टू द जनरल पब्लिक एंड दोज इन वेरियस एरियाज ऑफ. ठीक है, मतलब ये जनरल एजुकेशन के कोर्सेज चलाएगा, वोकेशनल और लाइफ एनरिचमेंट के कोर्सेज चलाएगा. और क्या करेगा ये, The NOS is playing the lead role in developing a network of open schooling channels in the country, and as a result, several state open schools and state centers for open schooling have come up in various states. The features of open learning in NOS guarantee the following. वो कह रहे हैं कि चूंकि NOS ने lead role दिया, बहुत सारे courses चल रहे हैं, सब है, तो state ने भी, कई state ने भी initiative लिया और वो अपने state level पे भी open schooling चल रही है. और अगर NOS है तो वो किस चीज की गारंटी लेता है, नेशनल ओपन स्कूल, इजी एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक आसानी से पहुंच होगी, एक्सपेंडेड बेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के आधार का विस्तार किया जाएगा, इंश्योर्स बेटर कवरेज, ज्यादा स्टूडेंट्स को ये कवर करेगा, और एजुकेशन सपोर्ट टू ड्रॉप आउट्स, वो जो जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है उनकी शिक्षा में ये सहायता करेगा. ओके, और एक और खास बात इसमें, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, COL, Commonwealth of Learning was established by Commonwealth heads of government in 1987 to support and expand the use of open and distance learning to increase opportunities for education and training in developing countries. यानी कि जो विकासशील देश हैं उनमें शिक्षा को और प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने के लिए ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के तहत 1987 में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना की. COL embarked on its work in open schooling in 1994. तो और 1994 में इसने ओपन स्कूलिंग पे काम करना शुरू किया है. तो ओवर द लास्ट 30 to 35 ईयर्स द डेवलपमेंट कम्युनिटी हैज फोकस्ड मच ऑफ इट्स वर्क ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन. और पिछले 30-35 सालों में बेसिक एजुकेशन तक सबकी पहुंच के को बढ़ाने के लिए इसने बहुत काम किया है. फर्स्ट देयर वाज जोमटीएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस दैट लॉन्च्ड यूनेस्कोस एजुकेशन फॉर ऑल. देखिए, जब जब हमने लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है तब तब हमने ये EFA की बात की है, कि जो 1990 में EFA आया, एजुकेशन फॉर ऑल, इसी ने प्रेरित किया कि सबको लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको शिक्षा देनी है. तो सबको शिक्षा आप पारंपरिक पद्धति से नहीं दे सकते, इसलिए भी इसके बाद ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग का कंसेप्ट ज्यादा तेजी से बढ़ता है. एंड सेट द गोल ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन टू बी अटेन्ड बाय द ईयर 2020. खैर, अपना 2020 बीत गया है, लेकिन तब ये माना गया था कि हम 2020 तक सभी को सार्वत्रिक रूप से प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन दे पाएंगे. तो ये कंसेप्ट है ओपन स्कूलिंग का. हमारे यहाँ NOS बनता है 1989 में, उसको बाद में अब NIOS कहा जाता है, और उसके क्या क्या काम है, कैसे उसकी शुरुआत है, क्या उसकी जरूरत है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया. और अब बात करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी की. तो
मुक्त विश्वविद्यालय, मतलब मुक्त विद्यालय ही नहीं मुक्त विश्वविद्यालय भी है। द फर्स्ट एजुकेशनल कमीशन सेट अप इन इंडिपेंडेंट इंडिया, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं, जो कि 1948 में गठित हुआ था, 1949 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। वो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि द डेमोक्रेसी डिपेंड्स फॉर इट्स वेरी लाइफ ऑन ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ जनरल वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र तभी रह सकता है, किस पर निर्भर करता है ये, कि जब बहुत बढ़िया एकदम उच्च क्वालिटी का, उच्च स्टैंडर्ड, उच्च मानक की जनरल वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन वहां प्रोवाइड की जाती हो। द डिसमिनेशन ऑफ लर्निंग, द इंसिसेंट सर्च फॉर न्यू नॉलेज एंड इंक्रीजिंग एफर्ट्स टू प्लंब द मीनिंग ऑफ लाइफ, द प्रोविजन फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन टू सेटिस्फाई द ऑक्यूपेशनल नीड्स ऑफ अवर सोसाइटी एंड द वाइटल टास्क्स ऑफ हायर एजुकेशन। यानी कि अधिगम का प्रसार हो, डिसमिनेशन हो, नई नॉलेज को खोजने के लिए आप में उत्कंठा हो, हम जीवन के अर्थ को खोजना चाहें, हम प्रोफेशनल एजुकेशन से ऑक्यूपेशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहें, ये सब हायर एजुकेशन के वाइटल टास्क हैं। The solution to the problem of the continuing inadequacy of educational facilities and inequity in educational opportunities lay not within the framework of the conventional classroom-centered educational system, but outside it. मतलब उस वक्त ही कहा जा रहा है कि ये जो continuing inadequacy, मतलब ये जो सतत जो कमी चल रही है, जो inadequate है, जो अपर्याप्त है शैक्षिक सुविधाएं हमारे यहाँ, जो असमानता है शैक्षिक अवसरों में, वो हम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्लासरूम सेंटर्ड एजुकेशनल सिस्टम से नहीं बल्कि उसके बाहर जाके ही पूरा कर सकते हैं। तो इट वॉज इन थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 to 66। आप इस बात को ध्यान दे दीजिए, हर बार ये बात निकल के आ रही है कि सबसे पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना में कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की बात हुई है, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो, ओपन स्कूलिंग की बात हो, सब में ये पहली बार यहीं पे बात हो रही है। प्लानिंग कमीशन टुक सीरियस नोट ऑफ द नीड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, और उस वक्त योजना आयोग ने एक गंभीरतापूर्वक सोचा कि पत्राचार शिक्षा की जरूरत है। फिर उसके बाद बात आती है, दो रिपोर्ट्स हैं, दो मतलब एक 1975 में पार्क सारथी कमेटी रिपोर्ट आई है, और उसके बाद भारत में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। अच्छा, यहाँ मैंने ईयर दिया है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने टेक्स्ट में नहीं दिया था, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो पार्थ सारथी कमेटी रिपोर्ट 1975 में आई है, क्या कह रही है, सर्वेइंग द सीन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया द कमेटी ऑब्जर्व दैट द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर हायर एजुकेशन टू कोप विद सच अ ट्रिमेंडस एक्सपेंशन आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, leading to the lowering of standards and other undesirable results. In such a situation, it was natural that the committee strongly recommended the starting of a national open university. यानी कि पार्थ सारथी कमेटी की अपनी रिपोर्ट में कहती है, जो कि 1975 में आई, कि जब उसने हायर एजुकेशन का सर्वे किया हिंदुस्तान में, तो वो ये पाती है कि रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं, एक्सपेंशन बहुत हो रहा है, और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो घट रहा है, और भी अवांछनीय परिणाम इसके आ रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो स्ट्रांगली रिकमेंड करती, मतलब बहुत मजबूती से ये संस्तुत करती है कि एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी चाहिए। और इसी क्रम में द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एस्टैब्लिश द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय बनाती है 1982 में, जिसका कि नाम बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया गया। और उसी क्रम में बाद में आपका इग्नू भी बन रहा है। On November 14, 1964, Srimati Indira Gandhi, the then Prime Minister, stated, we must bring education to all parts of our country and all sections of our people, especially the weaker sections and those who have so far been underprivileged. तो 1964 में Srimati Indira Gandhi ने कहा था कि हमको शिक्षा को अपने देश के हर भाग में पहुंचाना है, हर सेक्शन को पहुंचाना है, खासतौर से वो जो वीकर सेक्शन है, जो अभी तक अनप्रिविलेज्ड है, जो विशेषाधिकार से रहित है, उन सब तक हम शिक्षा पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में 20 सितंबर 1985 को इग्नू का फाउंडेशन हो जाता है। श्री राजीव गांधी जो कि तब प्राइम मिनिस्टर थे, वो इसका फाउंडेशन स्टोन रखते हैं और कहते हैं कि अवर एंडेवर is that in India the poorest, the most backward children receive the best possible education. We are here to take a step forward in this direction today. The open university will extend educational opportunities to all, जो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए मतलब जो उपलब्ध है, उन सभी को मुक्त विश्वविद्यालय के थ्रू शिक्षा पहुंचाई जाएगी। तो ये कहानी है इसके पीछे, है ना, कि हम EFA आ गया, सब आ गए, तो पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना में सोचा गया कि कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन चलाया जाए, कोर्सेज चलाए जाएं। फिर 1975 में रिपोर्ट कह रही है कि ज़रूर एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए। 1982 में आंध्र प्रदेश में खोलता है, जिसका नाम बाद में बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हो जाता है। और उसके बाद 1985 में इग्नू खुल जाता है, जिसकी की बात 1964 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी, और बाद में 20 सितंबर 1985 को इग्नू का फाउंडेशन स्टोन राजीव गांधी जी रखते हैं।
फिर 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने भी कहा कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज अ चेरिश्ड गोल ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, अपॉर्चुनिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू द यूथ, हाउसवाइव्स, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स टू कंटिन्यू द एजुकेशन ऑफ देयर चॉइस एट द पेस सूटेड टू देम। उसी समय ये बात हो रही है कि जो हाउसवाइफ हैं, जो गृहणियां हैं, जो युवा हैं, जो कृषि में हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपनी पेस के हिसाब से, उन सब के लिए लाइफ लॉन्ग एजुकेशन जो चाहते हैं उन सब के लिए ये मुक्त विश्वविद्यालय एक बहुत बढ़िया विकल्प है। द फ्यूचर मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इसलिए कहा गया कि जो भविष्य है वो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में ही है। सिंस इट्स इंसेप्शन, इग्नू इज द हार्बिंगर ऑफ ए न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इट हैज टू सर्व द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अ मोर रिस्पॉन्सिव एंड रेलेवेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन थ्रू इट्स एम्फेसिस ऑन इनोवेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एब्सेंस ऑफ रिजिडिटी एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट। आपने अगर कभी इग्नू से कोई कोर्स किया हो या कभी इग्नू का कोई सेल्फ लर्निंग मटेरियल पढ़ा हो तो बहुत बढ़िया मटेरियल होता है। जरूर कोई ना कोई कभी कभी ना कभी आपको इग्नू से कोई कोर्स कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया इनकी सर्विसेज हैं और हमेशा से ही बहुत नाम है नेशनल यूपी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का। हम सभी को कुछ ना कुछ वहाँ से पढ़ना चाहिए। तो ये जो इन बढ़िया कोर्सेज होते हैं, बढ़िया मटेरियल होता है, एकदम मजा आ जाएगी आपको पढ़ के अगर आप वाकई कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स इग्नू के क्या हैं? इग्नू वॉज कंसीव्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन, यानी शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के लिए ये एक उपकरण है। मतलब सब तक शिक्षा पहुंचाई जाएगी। टू एडवांस एंड डिसमिनेट लर्निंग एंड नॉलेज बाई ए डाइवर्सिटी ऑफ मीन्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए था कि नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए, लर्निंग नॉलेज के ट्रांसमिशन के लिए ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन टू ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, बहुत बड़ी जनसंख्या में, जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से को हम उच्च शिक्षा दे सकते हैं इसके थ्रू, और हम एजुकेशनल वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं। और टू इनकरेज द ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम इन द एजुकेशनल पैटर्न ऑफ द कंट्री। और भारतवर्ष में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों को और प्रोत्साहन दिया जाना, ये इग्नू का ऑब्जेक्टिव है। ये इस उद्देश्य से इग्नू की स्थापना की गई है और इग्नू बहुत हद तक इसमें सफल भी है। दिस इज ऑल अबाउट ओपन स्कूलिंग एंड ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट एंड वी मस्ट इनरोल इन वन ऑफ द एनी ऑफ द कोर्सेज ऑफ प्रोवाइडेड बाय इग्नू बिकॉज दे आर रियली सच गुड कोर्सेज। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई रिटर्न फ्रॉम माई साइट।